जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, अगर आप बिहार में नौकरी लेना चाहते हैं और बिहार के लगभग सभी जिलों के लिए इस वैकेंसी को जारी किया गया है तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। बिना एग्जाम दिए आप इसमें नौकरी ले सकते हैं। सिर्फ दोस्तों आपको टाइपिंग के लिए जाना होगा, ठीक है। आपको एग्जाम नहीं देना है, कुछ नहीं देना है, सिर्फ टाइपिंग देना है और नौकरी आपके हाथ में। तो ये जानकारी दोस्तों निकल के आई है शिक्षा विभाग की तरफ से। तो शिक्षा विभाग की तरफ से यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की यहाँ पर वैकेंसी जारी किया गया है। मैं इस वीडियो में पूरी ऑथेंटिक जानकारी आपको देने वाला हूँ, क्योंकि प्रूफ के साथ मैं आपको सारी चीजें यहां पर आपको बताने वाला हूं, ताकि दोस्तों आपके मन में इस भर्ती जुड़ी कोई भी डाउट और कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि आपको इस चैनल पर 100% ऑथेंटिक एंड जेन्युइनली गवर्नमेंट भर्ती के बारे में ही जानकारी दी जाती है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने दोस्तों मैंने जो है इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट यहां पर ओपन किया है। तो इसकी जानकारी दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आई है। ये एडवर्टाइज जाएंगे तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं 6 अगस्त के दिन दोस्तों ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के तरफ से यहां पर जो है एक यहां पर नोटिस जो है ये जारी किया गया है। नोटिस में क्या लिखा गया है, तो नोटिस में दोस्तों यहां पर बताया गया है कि यहां पर देख सकते हैं सबसे ऊपर ही देख सकते हैं बिहार सरकार शिक्षा विभाग मध्यान्ह भोजन योजना निदेशालय, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, तो यहां पर दोस्तों जो पहले जो यहां पर डाटा ऑपरेटर की जो भर्तियां यहां पर निकाली गई थी उसमें दोस्तों यहां पर जो है जब जो यहां पर पहले से ऑलरेडी यहां पर भर्ती हुए थे उनका दोस्तों फिर से यहां पर जो है डाटा एंट्री का टेस्ट यहां पर कंडक्ट कराया गया था, जिसमें 20% ही अभ्यर्थी जो है यहां पर योग्य पाए गए थे, इस नोटिस में बताया गया है। और अतः संबंधित जो संस्था के माध्यम से शेष जो पदें यहां पर रह जाती हैं पुनः कंप्यूटर टंकन मतलब टाइपिंग, यानी कि पुनः जो टाइपिंग है दक्षता से साक्षात्कार हेतु आउटसोर्सिंग संस्था के माध्यम से। आउटसोर्सिंग क्या होते हैं, देखिए ये अलग से यहां पर आउटसोर्सिंग यहां पर संस्था के बारे में बता रखा है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि आउटसोर्सिंग वो संस्था कौन कौन सी है, ठीक है। हालांकि ऐसे नहीं होनी चाहिए, यहां पर जो है अलग से यहां पर जो यहां पर प्रक्रिया यहां पर बताया जाना चाहिए कि क्या क्वालिफिकेशन है। इसमें साथियों क्वालिफिकेशन भी मेंशन नहीं है, एज कितनी है ये भी चीज़ें यहाँ पर नहीं बताई गई है, सिर्फ ये लेटर जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर जो है आउटसोर्सिंग जो संस्था है उनके नाम मेंशन कर दिए गए हैं, ईमेल आईडी दे दिया गया है, मोबाइल नंबर दे दिया गया, बस इतना सा काम किया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों उपस्थित होने के लिए आम सूचना प्रकाशित किया जाना है। अनुरोध है कि संकलन आम सूचना बिहार राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में राज्य स्तर संस्करण में प्रकाशित कराने की कृपा की जाए। तो बस ये नोटिस वगैरह दिया गया है कि इसको प्रकाशित करने की बात जो है बताई गई है, ठीक है। तो दोस्तों नीचे जो है यहां पर आम सूचना करके यहां पर बताया गया है कि यहां पर दोस्तों जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो यहां पर जो आउटसोर्सिंग जो संस्था है उनके कौन कौन से डिवीजन हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं और एजेंसियां हैं, ईमेल आईडी दे रखी है एजेंसी की और कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है एजेंसी का, और डेट ऑफ कंप्यूटर टाइपिंग का भी यहां पर डेट दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप पटना यहां पर डिवीजन देख सकते हैं, पटना डिवीजन के लिए जिसमें डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं पटना है, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, तो यहां पर सभी अलग अलग एजेंसी है। पटना की एजेंसी का यहां पर देख सकते हैं वेनी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड है, जिसका एजेंसी का ईमेल आईडी है, कॉन्टैक्ट नंबर है, 9/8/2023 को आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो यहां पर आपको सबसे पहले आपको जिस भी एजेंसी या जिस भी डिस्ट्रिक्ट में अगर आप यहां पर जो है और उस डिस्ट्रिक्ट के लिए यहां पर जो एजेंसी का यहां पर जो है चुनाव सबसे पहले करना है कि कौन सी एजेंसी करा रही है, ईमेल आईडी क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, तो उसके मोबाइल नंबर पर आपको कॉल करना है, समझ रहे हो। कॉल करके आपको पूछना है कि कहां पर आपको टाइपिंग के लिए जाना है, क्योंकि एजेंसी का नाम सिर्फ दे रखा है, इनका एड्रेस नहीं मेंशन कर रखा है, एड्रेस जो है कहां पे जाना है, समझ रहे हो। तो यहां पर दोस्तों आपको ये एड्रेस यहां पर पता करना है कि कहां पे जाना है, क्या क्या चीजें यहां पर क्वालिफिकेशन लग रही है, क्योंकि क्वालिफिकेशन की बात तो इसमें बताई नहीं गई है। जो नॉर्मली होता है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर में 12th पास योग्यता यहां पर होता है, लेकिन इसमें आपको यहां पर जो है कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, एज कितनी मांगी गई है, तमाम तरह की जानकारी दोस्तों यहां पर मेंशन नहीं किया गया है। तो ये सारी जानकारी दोस्तों आपको फोन करके भी पता कर सकते हैं, और जहां पर भी आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जा रहा है वहां पर आपको टाइपिंग के लिए जाना होगा, समझ रहे हो। इसके अलावा दोस्तों यहां पर तमाम तरह के यहां पर डिस्ट्रिक्ट है, दरभंगा, सहरसा, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं वो यहां पर आपको चेक कर लेना, ठीक है। एक और चीज यहां पर बता रखा है, यानी कि जो यहां पर गैप है, गैप का मतलब जो यहां पर छूट गए, यहां पर देखिए एजेंसी का नाम नहीं है, एजेंसी का ईमेल आईडी नहीं है, एजेंसी का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, तो इसके लिए दोस्तों बाद में यहां पर जो है इसके लिए यहां पर जो है प्रक्रिया अभी चल रही है। उसके अलावा दोस्तों यहां पर जो है कि भी यहां पर जो है जो एजेंसियां वगैरह हैं सर्च किया जा रहा है, जैसी एज के
रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगा तो यहाँ पर दोस्तों आपको नोटिस के माध्यम से जानकारी भी दे दी जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सी यहाँ पर छूट गए हैं, दरभंगा, जमुई, गया, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज जिले में संस्था के संबंध में निर्णय यहाँ पर प्रक्रियाधीन है। तो अभी इसकी प्रक्रिया चल रही है, जैसी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, इनको एजेंसियाँ वगैरह मिल जाएगी, तब आपको सूचना यहाँ पर दे दिया जाएगा और इस चैनल के भी माध्यम से आपको सूचना मिल जाएगी। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आपको जरूर रखना चाहिए ताकि दोस्तों आपको जानकारी सही समय पर लगे और सही समय पर जाके अपना टाइपिंग वगैरह दे सके। ठीक है, सबसे जरूरी बात दोस्तों इस भर्ती के लिए, अगर दोस्तों अगर आप इस भर्ती के लिए जा रहे हैं और कहीं भी आपको पैसे की डिमांड की जाती है, पैसे वगैरह मांगा जाता है, तो आपको एक रुपये भी आपको कहीं भी पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। तो जो डेट मेंशन किया गया है उस डेट पर जाके अपना आप टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर जरूर दीजिएगा। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक और इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आता रहेगा तो आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी और इस वीडियो को फटाफट अपने सभी साथियों तक शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।